अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउसकीपिंग में और F&B सर्विस में कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है तो आप क्या बताएंगे? अगर आप इन दोनों में से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएगा। और इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है और किस में आपका करियर और अच्छा हो सकता है। ये मैसेज मुझे आया था दीपक का और उन्होंने पूछा था कि इन दोनों में डिफरेंस बताइए क्योंकि मुझे चूज करना है इन दोनों में से करियर किस में अच्छा है। तो हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जहां पर मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं। तो चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं, किसमें एडवांटेज है, किसमें डिसएडवांटेज है, और हर टॉपिक की बात करेंगे। पर उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है वो कौन सा है। वो है आपका जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आपको F&B सर्विस में इंटरेस्ट है तो आपको उसमें जाना चाहिए, अगर आपको हाउसकीपिंग में इंटरेस्ट है तो आपको उसमें जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसी में जाइए जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, चाहे वो किचन में क्यों ना हो, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आपको किचन में ही जाना चाहिए। अगर आपको खाना बनाना पसंद है और अगर आप सर्विस में जाते हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्या पता आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी में जाइए। अगर आप अपना कैरियर ग्रो करना चाहते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में, मतलब सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल तक अगर जाना है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप हाउसकीपिंग में जाइए। क्योंकि जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है उसमें मुझे ये लगा है कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कंपेयर टू F&B सर्विस आपको प्रमोशन थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है, और जितना टाइम आपको सुपरवाइजर या कैप्टन बनने में लगता है F&B सर्विस में, उससे जल्दी आप हाउसकीपिंग में मैनेजर या आप सुपरवाइजर लेवल तक पहुंच जाते हो। और इसी के साथ साथ अगर हम F&B सर्विस की बात करते हैं तो F&B सर्विस में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ता है, धैर्य बनाए रखना पड़ता है। क्योंकि आपके अंदर जब तक पेशेंस नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। इसमें आप एज अ सेल पर्सन काम करते हो। सेल पर्सन आपको पता ही होगा, जो घर घर जाके अपनी सेलिंग कराते हैं, अपना आइटम वगैरह बेचते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं, तो वो सेल्स पर्सन होते हैं। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर एज अ सेल्स पर्सन काम करना पड़ता है, जिसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे गेस्ट से, कस्टमर से मिलते हो, जो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग माइंड सेट के होते हैं। तो उनसे मिलने के लिए, उनको सहने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा लॉन्ग आवर ड्यूटी। सो F&B सर्विस में आपको बता दूं कि बहुत लंबी लंबी ड्यूटियाज होती है। जैसे कि आपने देखा हो कि हमारी किचन में भी लंबी ड्यूटी होती है, 12-14 घंटे की ड्यूटी होती है, उसी तरह से F&B सर्विस में भी काफ़ी लंबी ड्यूटी आपकी हो जाती है। और ब्रेक शिफ्ट होती है आपकी, आप सुबह आते हो, फिर थोड़ा 2-3 घंटे के लिए आप रूम पे जाते हो, फिर दोबारा से आते हो, तो ब्रेक शिफ्ट होती है। अगर आपको ब्रेक शिफ्ट पसंद नहीं है तो आप हाउसकीपिंग में जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, कंपेयर मैं सिर्फ हाउसकीपिंग और सर्विस को कर रहा हूँ, तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में अभी मत सोचिएगा। सपोज आपका कोई फंक्शन आ गया, कोई पार्टी आ गई, तो जब तक वो फंक्शन पार्टी फिनिश नहीं होगी तब तक आप अपनी ड्यूटी को फिनिश नहीं कर सकते। तो वो फिनिश करने के बाद ही आपको जाना पड़ता है। और जितना बड़ा लेवल होगा आपका, उतना ही आपको लंबा काम या उतनी ही देर तक आपको रहना पड़ेगा अपने होटल में, आपके रेस्टोरेंट में। तो पेशेंस और लॉन्ग आवर ड्यूटी के बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल आप जाइए। अगर इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, इसमें कैरियर जो है आपका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। जैसे कोई पूछे कि इन दोनों में कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, तो मैं F&B सर्विस ही बोलूंगा। उसके अलावा जो है आपको टिप्स वगैरह बहुत सारी मिल जाती है F&B सर्विस में, हाउसकीपिंग भी मिलती है, बट कंपेयर करोगे तो सर्विस में आपको बहुत अच्छी खासी टिप मिल जाती है कंपेयर टू हाउसकीपिंग। उसमें सैलरी उतनी नहीं होती है, सर्विस में भी सैलरी उतनी नहीं होती, बट यहाँ पर आपको जितनी टिप मिल जाती है और सर्विस चार्ज जो अगर उसको ऐड करोगे तो सैलरी जो है ना आपकी वो डबल तक हो जाती है। जितने बड़े ब्रांड में आप काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट हो गया या होटल हो गया, वहाँ पर आपके सर्विस चार्ज और टिप उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है। अगर आप सैलरी के पर्पज से भी देखेंगे तो F&B सर्विस इज बेस्ट। बात करें अगर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, तो इसमें आपको केमिकल के नाम पता होना चाहिए, कितने टाइप की क्लीनिंग होती है ये आपको पता होना चाहिए, और आपको फोल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। आपने देखा है कि जो हाउसकीपिंग वाले होते हैं वो पूरा बेड बना के रखते हैं, गेस्ट के लिए तैयार करके रखते हैं, वहाँ पे फोल्डिंग वगैरह करते हैं, जो क्या बोलते हैं टावल वगैरह होता है उनकी फोल्डिंग अच्छे से बना के रखते हैं, उनको डेकोरेशन के बारे में नॉलेज होती है। और उसके अलावा आपका बेड मेकिंग हो गया, बेड को बनाना किस तरह से बनाना चाहिए, कितने टाइप के बेड मेकिंग होती है, कितने टाइप के फोल्डिंग होती है, वो सब कुछ आपको आना चाहिए। हाउसकीपिंग में आपका लॉन्ड्री भी आ जाता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, पूरे रूम की क्लीनिंग करनी पड़ती है, चाहे वो रूम हो, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो बाथरूम हो, हर जगह की क्लीनिंग आपको खुद से करनी पड़ती है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आपको बता दूं कि काम किस तरह से करता है, वैसे तो आपको पता होगा, बट इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी 5-स्टार में काम कर रहे हैं या किसी भी होटल में काम कर रहे हैं तो आपको रूम दिए जाते हैं। सपोज आपको 4 रूम दे दिए या 10 रूम दे दिए, तो उन रूमों को सेट करना पड़ता है, क्योंकि गेस्ट जो होते हैं वो चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो जैसे ही चेकआउट करते हैं आपको रूम जो है बांट दिए जाते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग रूम बांट दिए जाते हैं, और उनको रूम फिक्स करने होते हैं टाइम पीरियड के अंदर। जैसे आज बोला आपके मैनेजर ने कि आपकी ड्यूटी के अंदर ये 10 रूम को
फिक्स करके दे दो, सेट करके दे दो, तो वो आपको पूरे जितना भी आपकी ड्यूटी है उसके अंदर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको खुद से एक्स्ट्रा आर करना पड़ेगा, और जब तक रूम क्लियर ना हो जाए तब तक आप अपनी ड्यूटी को छोड़ नहीं सकते हो। तो इस तरह से ये काम करता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, पूरी क्लीनिंग आपको करनी पड़ती है, तो ध्यान में रखिए अगर आप कर सकते हो तो ही आप हाउसकीपिंग में आइएगा। अगर हम बात करें कि F&B सर्विस की, तो F&B सर्विस में आपको कॉकटेल के बारे में, मॉकटेल के बारे में, और कुजींस के बारे में पता होना चाहिए, और अलग अलग फूड के बारे में पता होना चाहिए, टाइप ऑफ सर्विस के बारे में पता होना चाहिए, ग्लासेस के बारे में, प्लेट स्पून के बारे में, ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो आपको डिप्लोमा डिग्री के वक्त स्टडी करा दी जाती है। वैसे तो हाउसकीपिंग में खड़े रहने का बहुत काम होता है, बट जब आप रेस्टोरेंट में काम करते हो, होटल में काम करते हो, तो एज अ वेटर, एज अ सुपरवाइजर, कैप्टन, आपको ज़्यादातर लॉन्ग आवर तक ड्यूटी करनी पड़ती है, और उसमें आपको खड़ा ही रहना पड़ता है, बैठ नहीं सकते। हाउसकीपिंग में आपको रूम बनाने पड़ते हैं, बट वहां पर ऐसा होता है कि एटलीस्ट आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो, 5-10 मिनट के लिए बैठ सकते हो, फिर अपना काम कर सकते हो, फिर मन किया तो फिर बैठ सकते हो, मतलब एडजस्ट कर सकते हो। बट सर्विस में आप बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते, आपके सीनियर आपके ऊपर होते हैं, जो कि हर समय आपको देख रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अगर दोनों कंपैरिजन किया जाए तो मुझे F&B सर्विस बेस्ट लगता है, और ये कैरियर नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसमें आप जो जॉब कर रहे होते हो वो कैरियर की तरह नहीं, वो लाइफस्टाइल की तरह करते हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत तरह के लोग मिलते हैं। अपने घर में या अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन करते हो, उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, तो उसी तरह से यहाँ पर आप अपने गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हो। एक F&B सर्विस पर्सन एक सेल्समैन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर सेल आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर सेल आप कर रहे हो, आप अपने फूड को, अपनी सर्विस को यहाँ पर सेल कर रहे हो अपने गेस्ट को। तो आपको सेल करना आना चाहिए। जब तक आपको सेल करना नहीं आएगा, तब तक आप एक वेटर या F&B सर्विस में एक सुपरवाइजर कैप्टन नहीं बन सकते। अगर आपके फेस पे स्माइल नहीं है तो आप एक सेल्स पर्सन नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पता है कि किसी को भी इम्प्रेस करने से पहले आपको स्माइल करना बहुत जरूरी होता है। और अगर F&B सर्विस अगर आप करते हो, और इनकेस कभी आप सोचते हो कि मुझे इस डिपार्टमेंट को छोड़ना पड़ेगा या मैं छोड़ना चाहता हूं, तो इसको छोड़ने के बाद भी आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि आप एक सेल्स पर्सन हो, आपको कोई भी चीज को सेल करना आता है। तो बात करें गेस्ट की, कस्टमर की, जो आपके पास आते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, वो नॉर्मल से लेके CEO तक होते हैं, GM तक होते हैं, या बड़े बड़े एक्टर या एक्ट्रेस भी आप तक आ सकते हैं, जो कि आपके साथ अपने थॉट शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। F&B सर्विस में काम करने से आपको फूड के बारे में, बेवरेज के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज हो जाती है, और उसके अलावा आप अपनी नॉलेज को बहुत इन्हांस कर सकते हो। आपको पता चलता है कि जो आपके कस्टमर है, जो आपके गेस्ट है, उनकी फूड हैबिट क्या है। फूड हैबिट का मतलब है कि किसको क्या पसंद आता है, किस कंट्री के लोगों को कौन सा खाना पसंद आता है, किसको स्पाइसी पसंद आता है, किसको कैप्सिकम नहीं पसंद है, या किसको ऑनियन टमाटो की ग्रेवी पसंद नहीं है। आपको अलग अलग चीजें पता चलती है, कौन कस्टमर किस तरह से खाता है, कौन कस्टमर किस चीज को पसंद करता है, ये सारी फूड हैबिट्स के बारे में आपको नॉलेज होती है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हो, F&B सर्विस में काम कर रहे हो, तो आप एक होटल में या एक कंट्री में नहीं करते हो, आप एब्रॉड में काम करते हो। एब्रॉड में आपको अलग अलग कंट्री के गेस्ट मिलते हैं, अलग अलग कंट्री के कस्टमर आप तक आते हैं, जिससे कि आपको उनके बारे में पता चलता है, उनके फूड हैबिट के बारे में पता चलता है। तो शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए हमेशा रेडी रखिएगा। ऐसे नहीं कि आप शुरू में एक साल में, दो साल में ऐसा आपको लग रहा है कि मैं लॉन्ग आवर ड्यूटी कर रहा हूँ, इतनी कमाई भी नहीं हो रही है, तो मुझे छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे छोड़ना चाहिए, तो आप चाहे कहीं पर भी छोड़ दो, कभी भी छोड़ दो, सिचुएशन सेम होनी है, क्योंकि किसी भी जॉब में, किसी भी कैरियर में आपका जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो सेम स्ट्रगलिंग होता है। सैलरी के साथ साथ आपको टिप और सर्विस चार्ज भी अच्छा मिल जाता है F&B सर्विस में, तो आपकी सैलरी जो है वो दो गुना हो जाती है। तो मुझे जो लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, F&B सर्विस इज बेस्ट। देखो, स्ट्रगल हर डिपार्टमेंट में है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि F&B सर्विस अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें स्ट्रगल नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। बट अगर आपको अच्छा खासा कमाई करनी है, अब्रॉड आना है, तो F&B सर्विस इज द बेस्ट कंपेयर टू हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मैं कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही मैं कभी करूँगा। बट उसका मतलब ये नहीं कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। आई होप आपको आज पता चल ही गया होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में ग्रोथ ज़्यादा है और किस में कम है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करेगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर आपके पास अच्छा सा कोई टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चले गाइस, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।